चले अब आपको अलग अलग राज्यों में लिए चलते हैं और देखते हैं जीएसटी के एक साल पूरा होने पर मुंबई के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। देश एक कर इस विचार के साथ एक साल पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी को लाया था और फिर जीएसटी के आधार पर पूरे बिजनेस सेटअप को उसके आधार पर ढाला गया था। क्या रिएक्शन रहा बिजनेसमैन का, कितने अप्स एंड डाउन आए, क्या प्रतिक्रिया रही उनके जाने के लिए, इस वक्त हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हैं। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र के बिजनेसमैन हैं, हम उनसे बात करेंगे। जीएसटी लगने से बहुत फायदा हुआ है और जो कि पहले मार्केट में बहुत सा फर्जीवाड़ा ये सब होता था, अब ये सब चीज़ टोटल पूरी तरह से बंद हो चुकी है और वन टैक्स होने से हमारा पेपर वर्क काफ़ी कम हो चुका है और हम बहुत खुश हैं। पहले जीएसटी के पहले दो तीन ऑब्स्टेकल्स आते थे, वो सिंपल हो गया, और ट्रेड नाका था, ये था, वो था, अब माल आने के लिए इजी हो गया और काम करने के लिए भी इजी हो गया। तो जीएसटी के हिसाब से तो बहुत फायदा हुआ है, बिजनेस बहुत बढ़ गया है एंड इसका एक फायदा ये हुआ है हमें कि हम पैन इंडिया कवर कर सकते थे। पहले बॉम्बे का अलग चलता था, सबका अलग, और ऑक्ट्राय भी था तो वो भी हम लोग के कॉस्टिंग में आता था, लेकिन ये वन टैक्स से बहुत फर्क पड़ा है तो ओवरऑल हम लोग ज्यादा लोग से कवर कर सकते हैं और उनको भी बहुत बेनिफिट हो रहा है उससे। एक साल जो है बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं बिजनेस प्रोस्पेक्ट से अच्छा बीता है। जो टेक्निकलिटीज थी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जो डिफरेंसेस था, जो डिस्टर्बेंस था बिजनेस कम्युनिटी में, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो चुका है और यही कारण है कि जो रिएक्शन है जीएसटी को लेकर वो मुंबई से काफी पॉजिटिव, काफी सकारात्मक है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ में योगेश कुमार शीतल, डीडी न्यूज मुंबई। और मुंबई के जैसा हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है और एक डर था मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को तो उनको नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है रेवेन्यूज का भी और जो वस्तु और सेवा जो है वो एक तरह से जो ट्रांसफर किए जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसको काफी फायदा हुआ है। जो कम से कम डेस्टिनेशन स्टेट थे उनको भी फायदा हुआ है। ऐसा ही एक डेस्टिनेशन स्टेट है मध्य प्रदेश, जहां पर भोपाल के लोगों ने इससे बेहद सकारात्मक बताया है। आइए आपको ले चलते हैं भोपाल। एक देश एक कर, जी हाँ, जीएसटी को एक साल पूरे हो गए हैं। हम इस समय भोपाल के प्रसिद्ध न्यू मार्केट में हैं, वहां हम जानते हैं कि लोगों की, व्यापारियों की क्या राय है जीएसटी को लेकर, किस तरीके से पिछले एक साल में जीएसटी को लेकर बदलाव आया है, चाहे वो व्यापार की बात की जाए, चाहे वो फायदों की बात की जाए, तो किस तरीके से जीएसटी जो है वो व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को फायदा दे रहा है। जीएसटी से बहुत फायदे हुए हैं। पहले अलग अलग टाइप के टैक्सेस भरने पड़ते थे, अब सिंप्लिसिटी आ गई है, एक ही टैक्स भरना पड़ता है, कस्टमर को भी कन्वीनियंस हो गया है, हमको भी कन्वीनियंस हो गया है, आगे से टैक्स के इश्यूज नहीं होते हैं, हर तरह के अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं, सिंगल अकाउंटिंग बेसिस हो गया है और लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, और इससे व्यापार करने में भी आगे आसानी रहेगी हम लोगों के लिए, और जो माल आएगा उसको लाने में बेचने में बहुत आसान रहता है, क्योंकि सारा माल बिलिंग से आएगा, उसमें कोई भी हेडेक नहीं है। काफी बदलाव देखने मिले हैं। हम लोग को पहले व्यापार में तरह तरह की अकाउंटिंग करनी पड़ती थी, अब हमें एक चीज से दिक्कत नहीं है कि हमें टैक्स रिबेट हो गया, और एक टैक्स हमें लगता था हमें दिक्कत नहीं होती। जीएसटी से अभी बेनिफिट ये मिल गया कि जो तरह तरह के टैक्स भरने पड़ते थे तो उन सबसे निजात मिल गई है। एक तरह का टैक्स भरना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती उसके अंदर, सीधा सीधा जो भी अपन ने बेचा है या जो भी अपन ने परचेस किया है उसका एक टैक्स जमा होता है, वो सीधा सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत आसानी हो गई है जमा करने में। जीएसटी में ये फायदा हुआ है, सबसे पहले जो सीएसटी लगती थी इंटर ट्रांसपोर्ट में जो दिक्कत आती थी वो आना बंद हो गई, अब डायरेक्ट तो बाहर से माल आना चालू हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले का तीन तीन लोगों के हाथ से आता था माल, अब डायरेक्ट सीधे कंपनी से आ रहा है। थोड़ा और पूरब लिए चलते हैं, आपको बनारस चलते हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य शहर बनारस है वहां पर जीएसटी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो आप तक पहुंचाते हैं। मेरा जीएसटी के लगने से बहुत फायदा हुआ है, सारे पेपर वर्क है और तमाम तरह के जो टैक्से थे अब एक टैक्स हो गया है, सबसे तमाम तरह के फायदे हैं। जीएसटी से कोई नुकसान नहीं, जीएसटी से बहुत फायदे ही हैं हम व्यापारियों को। कपड़े का बिजनेस है अपना, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का। फायदा ये हुआ कि अनऑर्गेनाइज मार्केट जो टेक्सटाइल का था वो पूरा ऑर्गेनाइज हो गया, पेमेंट वेमेंट सब सिक्योर हो गए, सारे पक्के बिल बनने लगे, कच्चे का काम बंद हो गया। मेरी शॉप है मॉम्स एंड किड्स नाम से वाराणसी में, एंड मुझे ये लगता है कि जीएसटी से हमारे साथ मतलब कस्टमर को तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, बट साथ में बिजनेस ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है, लोग आपस में एक ट्रस्ट बंधा हुआ है सारे बिजनेस प्रोप्राइटर्स में एंड रिटेल होलसेल शॉप्स में।
तो आप देख रहे हैं कि युवाओं में भी इसको लेकर के कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से ये एक तरह से इंटरनेट फ्रेंडली और पूरा का पूरा जो कारोबार है, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो पूरा का पूरा जो कारोबार है वो ऑनलाइन सिस्टम पे आ गया है, जहां तक इन्फॉर्मेशन की बात हो, टैक्स कलेक्शन की बात हो। और जीएसटी के एक साल पूरा होने पर लखनऊ के व्यापारी वर्ग ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी तो पहुंचा। जीएसटी हमारे हिसाब से भारत के आजादी के बाद से टैक्स रिफॉर्म में सबसे ही बेहतरीन रिफॉर्म है। इससे बहुत सारे एडवांटेज तो हम लोग को पहले ही साल में दिख गए हैं और आने वाले दिनों में इसके कई अच्छे परिणाम जनता के सामने आएंगे। कलेक्शन आप देख ही रहे हैं, महीने दर महीने लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे जनता को ही अल्टीमेटली फायदा होगा। देखिए, जब से बीजेपी ने ये जो जीएसटी देश के अंदर लागू किया है उससे एक बेनिफिट मिला है। पहले ये बिजनेसमैन लोग कर की चोरी किया करते थे और अपना जो सेल प्रतिनिधि का इनका जो प्रोसीजर था वो पूरा शो नहीं किया करते थे। इससे गवर्नमेंट को एक बेनिफिट हुआ है कि टैक्स गवर्नमेंट को ये देना पड़ रहा है इन लोगों को, और जो ये पैसा जीएसटी के माध्यम से गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, गवर्नमेंट उसको विकास की राह पर लगा रही है। चलो, ब्रेक पर जाने से पहले गुवाहाटी लिए चलते हैं और वहां के व्यापारियों का क्या कहना है, क्या वहां भी उनको लाभ हो रहा है, आइए सुनते हैं। जीएसटी आने के बाद व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ है, सिस्टमेटिक काम शुरू हो गया है, बिलिंग का सिस्टम भी बहुत बढ़िया से हो रहा है, टैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और रिटर्न वगैरह देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम लोग को बहुत काम स्मूथली चल रहा है जीएसटी आने के बाद, हम लोग बहुत खुश है व्यापारी। अभी जब हम लोग एक्वेंटेड हो गए इसके बारे में तो इससे हमारे को ज्यादा आराम हो गया है। इससे हमारा टैक्सेशन जो पार्ट हो रहा है, जो हम लोग को रिटर्न वगैरह देना है, उसमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। I'm an entrepreneur myself. I've opened my own business, so in a way I've seen both sides of the, and I definitely prefer this side of the story because GST has made things much simpler. और अहमदाबाद के लोगों ने भी खुशी जाहिर की, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ा बिजनेस हब है अहमदाबाद और वहां से मुंबई तक बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्टर्स की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन आइए देखते हैं अहमदाबाद के लोग क्या कुछ सोचते हैं जीएसटी के बारे में। एक देश एक कर जीएसटी को अब एक साल पूरा हो गया है। जीएसटी ने जहां अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया है, वहीं उपभोक्ताओं के लिए, कारोबारियों के लिए एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया है। हमारे साथ यहां कुछ व्यापारी, कुछ उपभोक्ता और कुछ कारोबारी भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जीएसटी पर उनके क्या प्रतिभाव हैं। जीएसटी में पहले अलग अलग तरीके से जो टैक्स है वो सब अभी एक हो गया और उसमें भी थोड़ा कम हो गया, इसके लिए ये अच्छा है। मेजरली तो खाने पीने की आइटम में बहुत कुछ फायदा हुआ है। पहले ज्यादा टैक्स दे रहे थे हम रेस्टोरेंट में, अभी बहुत फायदा हुआ है कि वो बहुत कम कर दिया है, वैसे 5% जैसा कर दिया हुआ है, तो वो चीज का बहुत फायदा हुआ है। यहाँ एक ही टैक्स भरना पड़ता है, तो पहले इधर उधर सब मिला के मतलब 5-6 तरह के टैक्स थे, अभी ऐसा नहीं है, अभी एक ही टैक्स हो गया है, तो मतलब सबको आसानी हुई है कि भाई एक ही हिसाब किताब रखा, भरा, झंझट खत्म। इसके फायदे अनेक है, जैसे बिलिंग और कायदे सर, जो पहले चिट्ठियों पर बिजनेस होता था अब लीगली हो गया है कि भाई आपको पक्का बिल देना है, ट्रांसपोर्ट में पक्का बिल जा रहा है। अहमदाबाद में लोग खाने के बहुत शौकीन है, अब शनिवार रविवार को लोग खाना बनाते नहीं है और इसलिए वो कह रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट में 5% कंपोजिशन के तहत लगाया गया उसे काफी खुश है। तो उपभोक्ताओं को लेकर के काफी पॉजिटिव रिएक्शन हमें पूरे देश से मिले और इन्फ्लेशन पर जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसके लिए सभी लोग बधाई दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे सर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जो समस्या इन लोगों की रिफंड वापस नहीं आ रहा है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं वो आपसे समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जीएसटी डे पर, विशेष तौर पर डीडी न्यूज पर।